कि शिलो प्रभुपाद वृंदावन टेम्पल में श्री श्री कृष्ण बलराम टेम्पल का उद्घाटन किया कि रामनवमी 1975 में तो उसके बाद जो है ने प्लान किया एक बहुत बड़ा वर्ल्ड टूर का यद्यपि प्रभुपाद का इच्छा यही है था कि एक जगह पे बैठ के वो भागवतम का ट्रांसलेट करेंगे और उनका जो है एज भी बढ़ रहा था तो उनके लिए ट्रैवलिंग जो है काफी दिक्कत हो रही थी लेकिन फिर भी प्रोपाद को जो है कोई ऑप्शन नहीं था वो कई बार सोचे कि मैं रिटायर करूंगा एक जगह पे रहूंगा लेकिन उसके बाद भी फिर प्रोपाद ने जो है टूर करते रहे करते रहे तो अभी काफी समय तक प्रोपाद ने इंडिया में बिताया जब कृष्ण बलराम टेंपल का उद्घाटन किया उसके बाद प्रोपाद ने एक पूरा एक्सटेंसिव वर्ल्ड टूर कम प्लान किया तो इस टूर इस तरह से था काफी एक्सटेंसिव है सुनने से आपको हम नाम ही याद नहीं रख पाएंगे कि कैसे कैसे जगह पे प्रभुपात ट्रेवल किया है तो पहले वृंदावन से यहां से इंडिया से पहले गए लॉस एंजलिस में लॉस एंजलिस से प्रभुपात गए डेनवर में डेनवर से फिर शिकागो शिकागो से फिलेडेल्फिया फिलेडेल्फिया से फिर बर्कले बर्कले से सैन फ्रांसिस्को इस तरह से उन्होंने प्लान किया कि इतने सारे जगह पे जाना है और उसके बाद जो है फिर सैन फ्रांसिस्को से फिर से आएंगे लॉस एंजलिस जो लॉस एंजलिस अमेरिका का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है इसकॉन का लॉस एंजलिस में आके फिर से वहां से प्लान किया वहां डियागो सो से डेलस डेलस से न्यूरलैंड से डेट्रॉट डेट्रॉयट से, से, से टोरंटो टरौंट। टोरंटो से बोस्टन बोस्टन से फिर न्यूयॉर्क और फिर इंडिया लौटने का प्लान तो इतना बड़ा एक्सटेंसिव ट्रेवल प्लान है कि प्रभुपाद जितना हो सके टेम्पल को कवर करेंगे वहां पे जाएंगे और जो है डिवोटी से मिलेंगे सो so, जितना उनका पॉसिबल है उनका एनर्जी है और जितना पॉसिबल प्रभुपाद कहते हैं कि ये अब इस कौन इतना बड़ा हो गया है ये मूवमेंट हाँ, चलाना इट इज नॉट अ वर्क ऑफ वन मैन प्रभुपाद इसको बार बार कहते हैं इट्स नॉट वन मैं वर्क है ना तो आप सबको इसको करना है प्रभुपाद अपने को कह रहे थे आप सबको ये करना है लेकिन प्रभुपाद भी वो अपनी जितना क्षमता है उससे वो प्रयास कर रहे थे कि वो जितना कवर कर सकते हैं, उतना टेम्पल्स में जाए और उस जाने का क्या पर्पस है ताकि को जो है वो कर सके मोटिवेट कर सके और इस कौन को सोलिडिफाई कर सके तो प्रभुपाद यहां से लॉस एंजलिस गए और जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लॉस एंजलिस में सबसे पहले प्रभुपाद ने वहां के जो प्रेस था इसकॉन प्रेस बीबीटी उनको कहा कि ये 17 वॉल्यूम्स चैतन्य चरितमृता का फुल सेट और जो कई भागवतम के कैंटो पेंडिंग है और उसको छापना है दो महीने में और रामेश्वर प्रभु और जो है उनके टीम राधा वल्लभ एंड उनकी टीम तो वो एकदम हैरान हो गया कैसे कर सकते हैं पर समहाव प्रभुपाद की है, इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो एग्री किए तो उसके बाद प्रभुपाद जब सुबह लेक्चर भी देते हैं तो वो लेक्चर तो सुन रहे थे लेकिन उनका मन जो है उसी में है कि ऐसे दो महीने में उसको कंप्लीट करना है तो फाइनली उन्होंने प्रभुपाद को बोल दिया कि हम करेंगे और उसके लिए आपका जो है आपका भी हेल्प चाहिए होगा क्योंकि आप इधर आप अप्रोच आपका हेल्प चाहिए होगा क्योंकि चैतन्य चरितमृत में बेंगोली है और वो बेंगोली के लिए जो है ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है हमारा अभी वीवीटी टीम में तो आपसे हमें हेल्प चाहिए होगा बेंगोली को समझने में और उसका जो भी टेक्निकल चीज है प्रभुपाद ने बोला मेरा समय रहेगा हमेशा तो इस तरह से प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में टीम को वो करके लगा के ये जो ये पब्लिकेशन मैराथन है डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन तो होता ही है लेकिन ये था एक पब्लिकेशन मैराथन महीना में सेवनटीन और प्रभुपाद के बुक्स को छपना तो डिवोटिस लगे हुए अब फिर प्रभुपाद वहां से ट्रेवलिंग में चल पड़े तो प्रभुपाद गए सबसे पहले डनवर में तो डनवर में वहां पे जब प्रभुपाद गए तो वहां पर प्रभुपात को वेलकम करे टेम्पल जो है वो एक तरह से चर्च था पहले और प्रभुपात देखो उस चर्च को खरीद के डिवोटीज ने उसको अब कृष्ण टेम्पल बना दिया तो वेरी हैप्पी तो प्रभुपात जो है गए तो प्रभुपात को वेलकम करके डिवोटीज प्रभुपाद की चरण अभिषेक करने लगे तो एक एक डिवोटी चरण अभिषेक कर रहे थे और डिवोटी एक डिवोटी भजन गा रहे थे हम्म so, वैष्णव ठाकुर दयाल सागर दास करुणा करो दिया पद छाया शुद्ध है हमारे तो इस तरह से हम्म जो है वो वैष्णव भजन गा रहे थे तो प्रभुपाद उनसे पूछा कि ये जो भजन आप गा रहे हो इसका मीनिंग पता है तो उन्होंने फिर मीनिंग बताया कि यस जो है कि वैष्णव आप करुणा के सागर हैं और आपका जो चरण की छाया है वो हमें प्रदान कीजिए तो प्रभुपाद सिम सेटिस्फाइड की वो मीनिंग जान रहे हैं और प्रभुपाद फिर नरोत्तम दास ठाकुर का को ग्लोरीफाई किया कि वो रियल वैष्णव है और उन्होंने कई सारे इस तरह से सुंदर भजन लिखा है और उन्हें ये बताया कि नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन में वो लिखा है कि छारिया वैष्णव सेवा सेवा निस्तार पाई छे केवा कि वैष्णव की सेवा को छोड़ के हम इस सेवा को अगर ना करें तो हम इस जीवन में इस जगत से निस्तार या मुक्ति हम नहीं पा सकते हैं तो इस तरह से प्रभुपाद डिवोटिस को बताए और फिर में जो है, जैसे मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो मॉर्निंग में जा रहे थे गए और वहां पे एक बहुत बड़ा पार्क था उस पार्क में प्रभुपाद गए बहुत सुंदर पार्क था और प्रभुपाद जैसे मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो डिवोटिस के साथ वो एक तरह से हम हाँ बातें करते हैं और आर्गुमेंट करते हैं डिवोटिस को एज एज ए ए बोलते हैं कि वो वो साइंटिस्ट साइंटिस्ट की तरह वो जो है डिबेट का रोल में डिबेट करे तो इस तरह से डिवोटिस हाँ को बताएं और वो कर, कहने लगे और प्रभुपात से डिवोटिस कहते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग जो है स्पिरिचुअलिस्ट जो है वो एस्केपिस्ट है तो प्रभुपाद कहते हैं हम एस्केपिस्ट नहीं है वी आर इंटेलिजेंट

आश्चर्य हो गए कि किस तरह से प्रभुपाद आंसर दे रहे थे और प्रभुपाद बता रहे कि मटेरियलिस्टिक जो लोग हैं वो इतना हार्ड वर्क करते हैं जस्ट कुछ टेम्पररी साल के लिए इस जगत में हर चीज टेम्पररी है तो ऐसे उन्होंने जो है डिवोटिस को मॉर्निंग वॉक में वो करते रहे और प्रभुपाद के जो एक एक आ, आंसर जो था वो डिवोटिस को जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में और उनका जो फेथ है और वो स्ट्रॉन्ग करते जा रहे थे उसके बाद फिर डेनवर से जो है प्रभुपाद फिर चले वहां से शिकागो तो शिकागो में जो है रथ यात्रा होना है और प्रभुपाद जो है उस रथ यात्रा में शिकागो के बड़े सिटी में रथयात्रा को अटेंड करने प्रभुपाद जा रहे हैं तो प्रभुपाद प्लेन में बैठे हैं और प्लेन से जब जा रहे हैं तो प्लेन में जो मैगज़ीन्स वगैरह रखे होते हैं तो प्रभु और उस मैगज़ीन में लिखा हुआ था कि एक न्यूज था कि क्राइम वाई एंड टू डू तो ये उस समय शिकागो में काफी क्राइम चल रहा था और गवर्नमेंट जो है वो समझ नहीं पा रहे थे कैसे उसको कंट्रोल करे और तो इस तरह से काफी न्यूज में ये फैला हुआ था तो शिला प्रभुपात ने जब देखा इसको प्रभुपात को आ, जो है एकदम से वो अटेंशन में आए और प्रभुपात इस चीज को नोट कर लिया और डिवोटिस जब एयरपोर्ट से उतरे और डिवोटिस के साथ जा रहे हैं तो प्रभुपात बोलने लगे कि हाँ ये है हा अभी गवर्नमेंट का सिचुएशन कि क्राइम है और क्यों है व्हाई एंड व्हाट टू डू तो ये किसी को नहीं पता कि गवर्नमेंट को नहीं पता क्या करें तो लेकिन प्रभु कह रहे थे डिबोटी को बट वी हैव गवर्नमेंट मेट्रियलिस्टिक वर्ल्ड मेट्रलिस्टिक लाइफ में वो लोग कर रहे हैं लेकिन अब उनका ऐसा स्थिति हो गया उनको पता नहीं है कि इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें पर सोल्यूशन नो वन एल्स द सोल्यूशन give उनको हमें ये सॉल्यूशन देना है तो ये प्रभुपत को लगा इट्स बिग अपॉर्चुनिटी ना हो क्योंकि गवर्नमेंट अब जो है सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं खुद से एक्टिवली गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि उनकी जो शासन है तो जिस तरह से चला रहे हैं इस तरह से सही चल नहीं रहे उसमें प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है तो प्रभुपाद को लगा दिस इज अ बिग ऑपर्चुनिटी फॉर इस्कॉन टू प्रीच इन अ वेरी लार्ज स्केल कि गवर्नमेंट लेवल पे टॉप लेवल पे लीडर्स को प्रीच करने का एक मौका है सो so, प्रभुपाद ने जो है जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो वो आए प्रेस और प्रेस आके पूछे प्रभुपाद से कि आपको आप यहाँ पे क्यों आए इस शिकागो शहर में क्यों आए तो ने कहा कि क्योंकि आपके गवर्नमेंट ये पूछ रहा है उन्होंने टाइम मैगजीन का वो रेफर किया वो बोला आपके गवर्नमेंट पूछ रहा है कि ये क्यों हो रहा है क्राइम और क्या करना है तो मेरा पास सॉल्यूशन है और मैं इस सॉल्यूशन को लेके आया तो ये पूछा उन्होंने कि क्या सॉल्यूशन है तो प्रभु पद ने बोला वो तो डिटेल में है आपको उसके लिए आना पड़ेगा हमारा टेम्पल में और ये सारे चीज में बता सकता हूँ लेकिन ब्रीफली जो है ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है और प्रभु ने ब्रीफली बताया उनको उसके बाद प्रभु को इस तरह से लगा कि अब ये चीज जो है ये बहुत बड़ा ऑपरचुनिटी है तो सारे डिवोटिस को बोले कि बड़े बड़े लीडर्स को आप इनवाइट करो तो वहां का शिकागो का जो मेयर थे वो आए प्रभुपाद से मिलने के लिए और प्रभुपाद ने उनको फिर वो ही बात बताया दोहराया और तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो बता रहे कि हाँ वास्तव में हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और सॉल्यूशन तो प्रभुपाद उनको समझाया इंटरेस्टेड तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं हम इसको आपकी शिकागो को बदल सकते हैं आपका ये क्राइम को बंद कर सकते हैं तो प्रभुपद ने बताया कि किस तरह से जो क्राइम का केवल लॉ के द्वारा एक्सटर्नल पनिशमेंट के द्वारा हम किसी का जो पाप करने का जो प्रवृत्ति है उसको बंद नहीं कर सकते हैं लोग जानते हैं जो है सजा मिलेगा फिर भी वो पाप कर लेते हैं तो लॉ ब्रेक करते हैं क्राइम करते हैं लेकिन उसके जब हृदय की शुद्धिकरण हो जाएगा जब हरिनाम करते हुए जो कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में जब वो अपने आप को ये शरीर नहीं सोल समझेगा और हरि नाम के द्वारा हृदय का शुद्धिकरण होगा तब तो उसका पाप करने का प्रवृत्ति खत्म हो जाएगा और तब रियली वो क्राइम क्राइम नहीं करेगा और प्रभुपद बता है किसी अब मेरा जो यहाँ पे इतने सारे डिसाइपल्स हैं वो कितना ड्रग्स लेते थे कितना उसमें थे गिरे हुए थे लेकिन अब नाउ दे आर फर्स्ट क्लास और फिर प्रभुपाद ने जो है बताया वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बताया कि जो रियल जो गवर्नमेंट चलाने के लिए ये वर्णाश्रम सिस्टम होना चाहिए ब्राह्मण होना चाहिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र वैदिक जो सभ्यता वैदिक जो राज्य चलाते थे राजा उसके बारे में प्रभुपाद ने बताया दिस kind of तो प्रभुपाद ने कहा कि वी नीड सम हेल्प अगर आप हेल्प करेंगे गवर्नमेंट तो हम जो है इसको कर सकते हैं इतना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट प्रभुपात दे रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप गवर्नमेंट के लिए तो प्रभुपात को पता चला कि वहां पे बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक बिल्डिंग है तो प्रभुपात ने कहा वो बिल्डिंग हम इसको आप हमें इस कौन को दे दीजिए ताकि हम वहां पे वो कर सके उसको यूज करके ये सॉल्व कर सके तो मेयर एकदम से बोलने लगी कि ये बिल्डिंग तो हमारा गवर्नमेंट का कुछ और बनाने के टाउन हॉल सिटी हॉल बनाने का प्लान है ऑलरेडी इसको प्लान कर लिया है तो हम तो नहीं दे पाएंगे तो बोले दिस इज अर्जेंट प्रॉब्लम आपका और अगर आप जो है इसको हमें देते हैं हमें जगह देते हैं तो आपका ये सॉल्यूशन हम दे सकते हैं अगर आप सॉल्यूशन के लिए रियली really इंटरेस्टेड है तो आप हमें हेल्प कर सकते हैं तो आपकी सपोर्ट से हम इसको कर सकते हैं तो उसके बाद मेयर ने बोला कि ये मेरे को थोड़ा सा पूछना पड़ेगा और भी लोगों से पूछना पड़ेगा इस तरह से पोलाइटली उन्होंने जो है एक तरह से मना कर दिया देने में और प्रभुपात कह रहे ठीक है आप नहीं दे सकते हम तो अपना कर ही रहे हैं हमारे एक्टिविटीज तो चल ही रहा है हुँ? हम करेंगे इन स्मॉल वे पर अगर आप सपोर्ट करें गवर्नमेंट तो हम बिग वे से कर सकते हैं तो इस तरह से फिर वो चले गए मेयर तो ऐसे कई सारे लोग आए लेफ्टिनेंट्स आए और गवर्नमेंट और प्रभुपाल सबको इस तरह से प्रीच कर रहे हैं तो डिवोटिस प्रभुपाल से पूछ रहे हैं प्रभुपाल हमारा जो टेम्पल है इतना बड़ा अभी ऑलरेडी टेम्पल है तो हमें और बड़ा जगह की क्या आवश्यकता है तो प्रभुपाल ने कहा कि ये हम स्मॉल स्केल में कर रहे हैं पर हम गवर्नमेंट से इसलिए मांग रहे हैं अगर गवर्नमेंट जब देगा जगह तो गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्टेड होगा और गवर्नमेंट के सपोर्ट से फिर हम लार्ज स्केल में कर सकते हैं बहुत जल्दी हम जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस को सबको दे सकते हैं तो इस तरह से प्रभुपद ने बताया प्रभुपद का विजन अब इसको बड़ा हो गया अब इस तरह से प्रभुपद सोच रहे की इस मौका को अगर लिया जाए अगर गवर्नमेंट कृष्ण कॉन्शियस बन जाए लीडर्स कृष्ण कॉन्शियस बन जाए तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है बहुत तेजी से जो है फैल जाएगा तो प्रभुपाद पूरा एफर्ट लगा रहे थे कि लीडर्स को अब टाइम आ गया कि आप ये लीडर्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दे आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो उनको सॉल्यूशन इस कौन दे सकता है तो प्रभुपाद का जो प्रीचिंग हाँ अब एरिया है वो हो गया लीडर्स को प्रीच करने का और इस तरह से बड़े बड़े लीडर से प्रभुपाल प्रीच कर रहे थे और प्रभुपाल उस समय ये भी बोले कि जो इंडिया में इंदिरा गांधी से भी क्या मिल सकते हैं प्रभुपाल यही कोशिश कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स उनसे मिले और उनसे जो है वो करें कि मीटिंग्स और उनको प्रीच करें तो इस तरह से प्रभुपाल जो है वो कर रहे थे ने इंडियन के डिसाइपल्स को बोले कि आप कोशिश करो कि इंडिया के तो उस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे कि उनसे मेरा कोई मीटिंग हो सके और फिर वहां पे जो है इस बात काफी फैल गया कि इसको के पास सॉल्यूशन है इस कौन के पास सॉल्यूशन है गवर्नमेंट के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है क्राइम के लिए तो फिर कई प्रेस आने लगा कई टीवी इंटरव्यू होने लगे प्रभुपाद का और प्रभुपाद भी उस मौका का पूरा फायदा उठा रहे थे प्रभुपाद जा रहे थे उस सब इंटरव्यूज में और प्रभुपाद बोल उसको बोल रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में तो वहाँ पे बोलते बोलते वहां पे हाँ, जो है कहीं माताएं भी थी तो उन्होंने जो है प्रभुपाद ने चार वर्ण आश्रम के बारे में बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो उन्होंने पूछा कि इसमें आपकी इसमें जो है आप सिर्फ मैन मैन बोल रहे हैं तो वोमेन का क्या पोजीशन है वर्णाश्रम सिस्टम में आप बताइए ओमेन कौन सा वर्ण में स्थित होते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि ओमेन जो है स्त्री जो है वो उनके जो हस्बैंड जिस वर्ण में है उसी वर्ण में होते हैं अगर हस्बैंड ब्राह्मण में है तो वो ब्राह्मण होंगे हस्बैंड क्षत्रिय है तो क्षत्रिय होंगे तो बोले अगर ओमेन हसबैंड को नहीं हस्बैंड के साथ नहीं रहते तो क्या होगा तो उनका कौन सा वर्ण होगा वूमंस का अपने आप में अपने आप हाँ, हाँ, कोई वर्णन नहीं है हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंसी है तो उस समय अमेरिका में काफी ओमेन लिबरेशन को लेके जो है ये चल रहा था कि सब इसी पे सपोर्ट कर रहे थे कि ओमेन का भी जो है मेल जैसे ही तो स्त्री और पुरुष का समान अधिकार होना चाहिए फ्रीडम होना चाहिए तो उसी पे काफी अमेरिका वो सपोर्ट कर रहे थे और प्रोपाद एक तरह से कह रहे थे कि वैदिक सभ्यता के अनुसार स्त्री को जो है जो अपना हस्बैंड के सबोर्डिनेट रहना है हस्बैंड के साथ ही रहना है फेथफुल रहना है और हस्बैंड का जो वर्ण है वही वो वुमेन स्त्री का वर्ण है तो इस चीजों से और जो है जो कन्वर्सेशन है वो क्राइमस है वो, स्त्री

एक तरह से प्रभुपाद उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं कि अगर सेंसेशनल भी है तो वो पब्लिसिटी हो रहा है टीवी में छप रहा है और लोग उसके बारे में सुन रहे हैं और जो वास्तव में इंटेलिजेंट है वो उसको समझ जाएंगे प्रभुपाद प्रभुपाद का वो था तो जो है हाँ इस तरह से जब होता गया तो डिवोटिस भी थोड़ा सा जो है वो सोचने लगे कि अरे इतना डीपली तो हमने कभी सोचा नहीं तो प्रभुपाद से आगे पूछे कि प्रभुपाद वास्तव में बताइए कि क्या आ, हमारा जो है वैदिक वैदिकता के अनुसार कि क्या पोजीशन है स्त्री का क्या पोजीशन है और पुरुष और स्त्री का बीच में क्या मतलब वो रूल्स रेगुलेशंस रहना चाहिए तो रोपन ने डिवोटिस को क्लैरिफाई करते हुए बताया कि हमें पुरुष और स्त्री का हमेशा से परेशान रहना चाहिए जितना हो सके से सेपरेशन रहना चाहिए क्योंकि बटर और उसके उदाहरण दिया प्रभुपाद ने कि अग्नि का कि ये बटर बटर और अग्नि एक साथ रहेगा तो पिघलता ही है तो उसका जितना हो सके से उसका सेपरेशन रहना चाहिए और स्त्री का प्रभुपाद ने बताया कि बेस्ट उनके लिए यही है कि वो हस्बैंड का साथ फेथफुल रहे तो प्रभुपाद ने बताया स्त्री के लिए दो क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है और हम प्रयास करे, करें में जो स्त्री है उन सब का ये दो क्वालिटी डेवलप हो और ये दो क्वालिटी ने बताया कि अगर ये दो क्वालिटी होते हैं स्त्री का तो उनके लाइफ में कोई परेशानी नहीं होगी तो ये दो से वो बहुत खुश रहेंगे तो क्या हो वो दो क्वालिटी प्रोपाद कहते हैं कि एक है रिमेन फेथफुल टू देर हसबेंड

हम्म स्त्री खुश रहेंगे सेटिस्फाइड रहेंगे तो इस तरह से प्रभुपाद जो है हाँ वहां पे शिकागो में एक बड़ा हाँ एक हलचल मच गया इस कौन के प्रभुपाद की इस इंटरव्यू से और पॉपुलैरिटी और बढ़ गया एक तरह से तो उसके बाद प्रभुपाद आए हाँ जो शिकागो में रथ यात्रा अटेंड किया और रथ यात्रा अटेंड करने के बाद आए फिलेडेल्फिया तो फिलेडेल्फिया जगह है तो वहां पे प्रभुपाद पहले एक बार गए थे जब जब 1965 में बटलर से न्यूयॉर्क जा रहे थे तब वहाँ पे उस वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी था वहां पे प्रभुपाद गए थे शायद लेक्चर दे दिए थे तो अब उस जगह पे प्रभुपाद फिर से गए और उस फिलेडेल्फिया में जो है एक तरह से रथ यात्रा हो रही थी तो इस बार रथ यात्रा जो है फिलेडेल्फिया में बहुत पहले से रथयात्रा शुरू हो गया था लेकिन वहां पे डिवोटिस बहुत स्मॉल स्केल में छोटा सा रथ यात्रा कर रहे थे 1970 से शुरू हुआ था और धीरे धीरे पहले बार कहीं थोड़ा सा एक बक्सा में करके लेके गए थे जगन्नाथ जी को किसी एक नदी का तट पर और वहां पे कुछ पिकनिक बनाए थे दूसरे बार एक कुछ पालकी बनाए थे पालकी में करके लेके गए और इस तरह से धीरे 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 ग्रो करते गए इंप्रूव करते गए और प्रभुपाद ने उनको मोटिवेट करते रहे कि आप अच्छे से रथयात्रा का फेस्टिवल बनाओ प्रभुपाद इस रथयात्रा को पॉपुलर करना चाह रहे थे तो में, अब जो है, इस बार ने किया था कि बहुत अच्छा से रथ यात्रा बड़ा लेवल पे करोगे तो मैं आऊंगा तो प्रभुपाद वहां पे गए और उस रथ यात्रा को वहां पे अटेंड किए तो वहां पे जो थे प्रभुपाद के शिष्य स्वरूप प्रभु तो उन्होंने जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था जिस यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद ने एक बार लेक्चर दिया था लेकिन उस लेक्चर के के बाद ईयर में वो आए थे तो उन्होंने प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद उस यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है आपने लेक्चर दिया था और वहां पे कई सारे स्टूडेंट्स आपको अप्रिशिएट कर रहे थे तो उस यूनिवर्सिटी में फिर रविंद्र स्वरूप रविंद्रस्वरूप भी जो है पढ़ाई किया और उन्होंने जो है पीएचडी वगैरह किया तो उनका जान पहचान बहुत सारे वहां का जो है प्रोफेसर से तो प्रभुपाद को से उन प्रोफेसर से मिलाने के लिए लेके आए तो वो प्रोफेसर में से एक थे डॉक्टर पाटिल तो वो हिंदू रिलीजन को पढ़ाते थे, थे। डॉक्टर पाटिल तो वो जब आए प्रभुपाद के पास तो प्रभुपाद ने बताया पूछा कि आप जो है आप क्या पढ़ाते हो आप किस चीज का प्रोफेसर है तो उसने बोला हिंदुइज्म का ना? और तो, तो प्रभुपा ने बता है हाँ कि वाट इज हिंदुइज्म इस तरह से प्रभुपा ने उनसे पूछा वाट इज हिंदुइज्म और वो बात बात से बोला कि आई रियली डोंट नो तो प्रभुपा ने एकदम से जो है बोले उनको यू आर प्रोफेसर एंड यू डोंट नो तो उसको थोड़ा सा ईगो में लग गया एंड वो जो है डॉक्टर पाटिल उसका नाम था योगेश पटेल और वो एकदम से बोले कि आए, मैं, मुझे नहीं पता तब, तो मैं आप बोल आप है मुझे क्यों नहीं <laughs> तो प्रभु बोले कि स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट योर सर्वेंट क्या जो बोलोगे वो ही हम करेंगे <laughs> तो उसमें जो है उसको और जो है ईगो में वो हर्ट हो गया काफी हीटेड आर्गुमेंट हो गए उसके बाद तो सारे और उसका कोई मतलब एक तरह से रेस्पेक्ट नहीं था तो सारे डिवोटीज परेशान हो गए थे कि क्यों ऐसे उनको लेके आए रमेश स्वरूप तो एनीवे anyway, तो ये काफी फेमस था कि डॉक्टर पटेल जो है प्रोपाद के साथ इस तरह से आर्गुमेंट किया और फिर वो चले जाने के बाद और भी प्रोफेसरस को बुलाया लेकिन वो सारे प्रोफेसरस अच्छे थे फिर प्रभुपाद आगे चले आए बर्कले में so, जब प्रभुपाद बर्कले में आए तो वहां पे आके प्रभुपाद देखे कि जो है प्रभुपाद के लिए वेट करे तो हर जगह पे प्रभुपाद को उस तरह से लेवल के स्वागत होता था एंड स्पेशल कार भेजा जाता था तो प्रभुपाद को उस विषय को लेके भी कई बार न्यूज़पेपर में जो है प्रेस वाले ने काफी बातें उठाई कि प्रभुपाद ऐसे ऐसे स्वामी हैं जो इतने इतने महंगा कार में चलते हैं इतने सारे जो है मतलब फैसिलिटीज है इस तरह से तो वो रियल स्पिरिचुअल चीज को नहीं देख पाते हैं तो प्रभुपाद उस बार क्लेम में आके प्रभुपाद ने इस बातों को तो क्लियर किया जो उनका ओपनिंग एड्रेस है और उन्हें प्रभु ने गुरु की पोजीशन बताया कि गुरु का रियल पोजीशन क्या है कि वो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं और डिसाइपल को जैसे भगवान को जिस तरह से, करते उसी तरह से करते हैं लेकिन गुरु में कृष्ण के सर्वेंट और गुरु की पोजीशन बताया कि गुरु का एक ही बिजनेस है कि उनके शिष्य को देखना है कि वो जो है वो इस जगत से इस संसार से मुक्त हो सके वो भगवान के धाम में जा सके भगवान से मिलाना यही उसका एकमात्र बिजनेस है। पाद कहते हैं कि Therefore I have come here. कि मैं ये पूरा वर्ल्ड टूर क्यों कर रहा हूँ ताकि मेरे डिसाइपल का फॉल डाउन ना हो मेरा जो शिष्य है जो स्पिरिचुअल लाइफ में आ, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो फॉल डाउन ना हो तो गुरु का ये बिजनेस है गुरु का ये बिजनेस है कि वो भगवान की बातों को दोहराए उसी को एज इट इज प्रेजेंट करे और उसको चाहे करवा भी हो लगे लेकिन उसी को वो प्रेजेंट करे तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने आप लोगों को जो है वही चीज बताया, चार नियम बताया नाम बताया लेकिन कई सारे जो है रूल्स जो शास्त्र में दिया है कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ढोंगी गुरु होंगे जो आपको बताएंगे सो so, वहां वो कह रहे थे कि मैं जो इतने प्रयास किया एक, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि सारे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए प्रभुपाद शास्त्र से कोट कर रहे थे कि एक चंद्रमा एक चंद्रमा सफिशियंट है रशनी देने के लिए लेकिन हजारों करोड़ों जो है स्टार्स वो भी वो रश्मि नहीं दे सकता है जो एक चंद्रमा देता है तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा भी यही प्रयास था कि एक भी अगर शुद्ध भक्त बन जाए तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा लेकिन मेरा ये भाग्य है कि आप सब बहुत सारे हाँ ऐसे शुद्ध भक्त हो गए आप सब इतने शुद्ध भक्त आ, बहुत सारे आ गए तो प्रभुपाद यही कह रहे थे कि वास्तव में एक ही अगर शुद्ध भक्त बने तो वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए केवल लार्ज नंबर हो जाए और ब्लफिंग हो जाए केवल पैसे वो करके चीपली हम दे दे वो नहीं है गुरु का उद्देश्य ये गुरु का बिजनेस यही है कि एक शुद्ध भक्त बनाए सही चीज को दे और ताकि वो उसके जो शिष्य है वो भगवान की धाम में जा सके तो उसी वो गुरु के मेन बिजनेस है तो इसे इस तरह से प्रभुपाद ने वहां पे वो किए और वहां वहां पे प्रभुपाद का कई सारे उनसे उस समय के जो कई सारे वो लोग थे जो अदर रिलीजियस लीडर्स थे जैसे कई सारे एक जैन लीडर्स थे जो सुशील मुनी करके वो आए थे दो तीन अदर रिलीजियस रिलीजियस लीडर्स वो भी प्रभुपाद से मिलने आए थे क्योंकि उस समय इस कौन काफी पॉपुलर हो गए थे 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 तो अमेरिका में जितना और भी रिलीजियस लीडर्स वो आ रहे प्रभुपाद को उनकी प्रोग्राम्स में इनवाइट करने के लिए तो दो तीन ऐसे रिलीजियस लीडर्स आए थे और अक्सर आते रहते थे, थे प्रभुपाद उनको मिलते रहते थे तो वो आए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए प्रभुपाद को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए और फिर प्रभुपाद जो है उनसे मिले वो लोग काफी प्रशंसा कर रहे थे प्रभुपाद को और बोल रहे थे कि ये आश्चर्य है हम जहां भी जाते हैं देखते हैं आपका जो ये सेंटर से वो बिल्कुल जैसे ओरिजिनल शास्त्र में दिया हुआ है उसी तरह से ऐसे संस्था है ये आश्चर्य आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया इस संसार में और इतने सारे फॉलोअर्स है कैसे संभव हुआ ये चीज तो प्रभुपाद ने ये बताया कि जैसे किसी दुकान में आप जाओ प्रोपा ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक स्वीट शॉप है इंडिया में दिल्ली में जो बहुत भीड़ रहता है प्रोपा ने कहा कि उस स्वीट शर्ट में हर चीज जो है प्योर घी से बनाया जाता है तो जब क्वालिटी अच्छा होगा तो लोग आएंगे तो इस तरह से वो करके तो यहाँ पे एक शिक्षा हमें मिलता है प्रोपा से कहते हैं कि एक चंद्रमा जो है वो सफिशियंट है हजारों नक्षत्र से तो अगर एक चीज भी हो लेकिन अच्छा क्वालिटी से हो वो ज्यादा बेटर है देन हमें लार्ज नंबर हो लेकिन वो क्वालिटी ना हो तो प्रभुपाद हमेशा उस क्वालिटी पे ही फोकस कर रहे थे और इसीलिए जो है आज इसको इतना बड़ा हुआ और उस रियल चीज को प्रभुपाद दे रहे हैं उसके आगे फिर प्रभुपाद जो है आगे फिर चले सैन फ्रांसिस्को में और सैन फ्रांसिस्को में बड़ा रथ यात्रा को अटेंड करके प्रभुपाद वापस लौटे लॉस एंजेलिस में है कि देखने के लिए कि वहां पे अभी प्रिंटिंग का कहां तक पहुंचा तो वहां पे जाके देखे प्रभुपाद कि डिवोटीज लगे हुए मैराथन में वहां पे प्रिंटिंग मैराथन में पब्लिकेशन मैराथन में वहां पे अलग-अलग जगह से लोगों को बुलाया जो पेंटिंग करने के लिए डिवोर्टिज को बुलाया है जो प्रूफ रीडिंग करने के लिए लोगों को बुलाया है तो सब पूरा एक तरह से वहां पे केवल एक ही काम दिखाई दे रहा था सारे डिवोटिस को कि सिर्फ इसको छापना है इंडिया में भेजा गया है एक डिवोटी एक टीम ऑफ डिवोटीज है जो फोटो डिफरेंट जगह के चैतन्य महाप्रु लीला की जगह से फोटो खींच रहे और भेज रहे हैं उनको और वहां पे डे एंड नाइट डिवोटी काम कर रहे हैं कई लोग दिन में एक घंटा दो घंटा सो रहे हैं वहां भी सो रहे वहां पर एक पिक्चर को वो वो पेंट पेंट कर रहे हैं, एक, hmm, वो पेंट कर रहे हैं वो पेंट करते करते एक दिन के लिए भी उन्होंने मान लीजिए छोड़ दिया कि अभी नहीं कर पाए कुछ कारण से वो नहीं हो पाए तो अगले दिन पता चला कि दूसरा डिवोटी के दरा द्वारा वो पेंटिंग कंप्लीट हो गया क्योंकि कोई वेट नहीं कर सकता इस तरह से माराथन चल रहा था और फाइनली जो है प्रभुपाद जब गए और देखे कि इस तरह से डिवोटीज पूरा प्रयास कर रहे प्रभुपाद की डिजायर को पूर्ण करने के लिए वेरी प्रभुपातरी उन्होंने देखा कि डिवोटीज ने प्रभुपाद की जो हाँ, इच्छा है उसको बदलने का प्रयास नहीं किया उन्होंने अपनी जीवन चरि... जीवन लाइफस्टाइल को बदल दिया प्रभुपाद की डिजायर को पूर्ण करने के लिए तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे तो उसके बाद प्रभुपाद ने उनको जो भी हेल्प चाहिए था वो हेल्प दे के आगे चल पड़े और प्रभुपाद गए लघुना बीच वहां पर इस्कॉन टेम्पल में जो है थोड़ी देर रुक के प्रभुपाद आगे गए सेंडियोग में सेंडियोगो में वहां पे था जो इस्कॉन के पहले का सॉरी अमेरिका का जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे निक्सॉन उसका घर था तो डिवोटीज ने जाते प्रभुपाद को दिखाया कि प्रभुपाद ये निक्सन है का घर है अभी वो फ्रस्ट्रेटेड है अभी उसका कोई पोजिशन नहीं है तो प्रभुपाद ने बोले बहुत अच्छा है अभी आप उसको प्रीच करो, क्योंकि अभी वो वोच समझ सकता है भक्ति को। उसके बाद प्रभुपाद गए डेलस जब डेलस गए तो प्रभुपाद जैसे उतरे तो एयरपोर्ट में जो है प्रेस आके प्रभुपाद से पूछे कि आप स्वामी जी आप यहाँ पे क्यों आए इस डेलस में क्यों आए तो प्रभुपाद बोले कि क्यों आए क्योंकि ये मेरा घर है ये डेलस मेरा घर है तो एकदम वो सरप्राइज होगी आपका घर है प्रोपत का आंसर डिफरेंट था प्रोपत बोले हाँ यहाँ पे मेरे कई सारे सन्स चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरा कई शिष्य है यहाँ पे तो मैं उनसे मिलने आया हूँ तो इस तरह से डेलस गया और डेलस गुरुकुल में देखे प्रभुपा ने जो बच्चे थे बहुत अच्छे से ट्रेंड हो रहे तो प्रभुपा ने उन सबको एक बार अपने रूम में बुलाया कि जितने भी चिल्ड्रन है बच्चे हैं वो सबको बुलाओ और जो बड़े हैं वो सबको बुलाओ तो सब आए और हाथ बढ़ाया पिछले बार क्या दिया था ने? तो वो स्टिक से मारे थे इस बार सबको हाथ में प्रोपा ने एक एक रसगुल्ला डाल दिया वन वॉज है वहां पे भी प्रोपाल ने यही बोला कि अच्छे से ट्रेन करो इन सबको बच्चे को ताकि आगे जाके वो एक अच्छा वैष्णव बन सके प्रभुपात में, तो में आके वो फार्म हाउस था मिसीसिपी में और उस जगह पे प्रभुपात गए और फार्म हाउस जाके देखे तो उनके प्रेसिडेंट को बोले कि मैं यहाँ पे आया खास करके इस फार्म हाउस को देखने के लिए क्या आप कैसे इसको हाँ यूज कर रहे तो जाके देखे कि वो इतना बड़ा जगह है लेकिन वो लोग को समझ नहीं आ रहा वो लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन कैसे उसको पूरा तरह से यूटिलाइज करना वो समझ नहीं पा रहे हैं तो प्रभुपा ने उनको बताया कि वैदिक सभ्यता के बारे में बोले कि अगर जिसके पास लैंड है उसको और गाय है उसको हाँ कोई और चीज की आवश्यकता नहीं है वो बहुत ही खुशी से रह सकता है और प्रभुपा ने बताया गाय से कैसे एक एक चीज लैंड का यूज होना चाहिए प्रभुपाद कहीं भी अगर देखते थे थोड़ा सा लैंड खाली है तो प्रभुपात बोलते कुछ ना कुछ प्लांटिंग करो कुछ ना कुछ लगाओ उसमें ताकि वहां से कुछ फल आएगा फूल आएगा कुछ ना कुछ लगाओ और गाय को प्रभुपात बोलते हैं कि उसमें जो दूध आता है उस दूध को पीते हैं दूध जब पी के और खत्म नहीं होता है दूध रह जाता है उसको फिर जो है दही बनाते हैं योगर्ट बनाते हैं फिर दही से भी जो खत्म नहीं होता है फिर वो उससे बटर बनाते हैं फिर उससे घी बनाते हैं और इस तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप ऐसे करो कि कोई भी चीज का वेस्ट ना हो और ये सब यहाँ पे इतना मात्रा से ये दूध दही घी हो ताकि उस घी से हमारा सारे रेस्टोरेंट में भेजा जा सके तो इस तरह से प्रभुपाद ने उस जो टेम्पल मैनेजमेंट को पूरा एक बी गोल दे दिया कि कैसे इस जगह को यूज करना है और फिर प्रभु इस जगह को पूरा अच्छे से वहां पे जो है फसल उगाना है ताकि और जो गृहस्थ है वो आसपास में रह सकते हैं और ये जो है खुद वो लोग प्रोड्यूस करे और उससे सफिशियंटली चलेगा फिर कुछ दिन आगे जाके प्रभु ने देखे एक ट्रैक्टर है वहां पे ट्रैक्टर रखा है तो प्रभुपा पूछे कि ये ट्रैक्टर किस लिए है तो उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर से वो करने के लिए तो फिर डिवोटिस ने पूछे प्रभुपाद ये मेशीस का कैसे हम यूज कर सकते हैं या नहीं तो प्रभुपाद ने कहा कि मशीन्स को यूज आप कर सकते हो तभी जब ह्यूमन रिसोर्स खत्म हो जाए मतलब टाइम ना हो किसी के पास लेकिन सबसे पहले ऐसे होना चाहिए कि जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है या एनिमल रिसोर्स है जैसे गाय है बुल है उनको यूज करना चाहिए ताकि वो आइडल ना हो अगर वो यूज में नहीं होगा तो बुल है उनको जो है लगेगा कि वो हमारे लिए बर्डन है और उसको फिर काट दिया जाएगा तो उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स अगर यूज नहीं होगा तो ह्यूमन रिसोर्स जो है अलस हो जाएगा तो प्रयास करो जो ये जो फार्म हाउस है उसका मेंटेनेंस ह्यूमन रिसोर्स और एनिमल रिसोर्स जो है उसी से करें ऑर्गेनिक बेस से लेकिन अगर कुछ ऐसा चीज उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है तब जाके मशीन को यूज करना है अदरवाइज मशीन लेके आएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स यूजलेस हो जाएगा और एनिमल रिसोर्स का भी फिर यूज नहीं रहेगा इस तरह से प्रभुपाद ने बताया कि वैदिक सभ्यता यही है तो यहाँ पे भी हमें एक लेसन मिल जाता है कि मशीन को यूज हम करें तभी जब ह्यूमन रिसोर्स एनिमल रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो प्रॉपरली यूज हो उसके बाद ही मशीन ऐसा ना हो कि अतिरिक्त मशीन यूज किया जिससे ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर दे और यही आज का सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रही है कई लोगों का जॉब खत्म हो गया जॉब नहीं मिल रहे क्योंकि सारे ऑटोमेशन हो गए सारे मशीन आ गए तो जो इतने सारे लोग मिलकर करते थे अब वो मशीन करने लगे तो लोगों का पास काम नहीं है तो वो पहले प्रभुपाद ने वो बताया वैदिक सभ्यता के अनुसार इस तरह से होना चाहिए और वो हेल्दी भी है जो ह्यूमन रिसोर्स अगर खुद से करेंगे तो वो जो क्वालिटी आता है वो क्वालिटी भी अच्छा है human का जो हेल्थ है वो भी सही रहता है और इस तरह से प्रभुपद ने बताया कि वैदिक सभ्यता का जो कैसे स्टैंडर्ड है उसके बाद प्रभुपद वहां से आए डेथ्रॉइट में और डेट्रॉयट में आके जब प्रभुपद उतरे तो प्रभुपाद को लेने जो आए डिवोटी हो पोपर जैसे गाड़ी के पास आए तो देखे गाड़ी के हम्म को लेके बैठे हुए चलाने के लिए कौन है नो वन अदर देन एल्बर्ट फोर्ड जो हेनरी फोर्ड का जो ग्रैंडसन है जो फोर्ड कंपनी का अमेरिका की सबसे बड़ा मोटर कंपनी गाड़ी का जो कंपनी है फोर्ड उसका जो मालिक हेनरी फोर्ड है उसकी ग्रैंडसन अल्बर्ट फोर्ड वो आए प्रभुपाद को ड्राइव करने के लिए है ना और प्रभुपाद को हाँ चला के ले जाए तो ये जो ऐसे अमेजिंग सीन कि प्रभुपाद को कौन ड्राइव करके ले जाएगा प्रभुपाद की ड्राइवर कौन है ये इतना बड़ा कंपनी का मालिक एल्बर्ट फोर्ड और वो अभी भक्त बन चुके थे और उनका नाम हो गया था अम्बरीश प्रभु और वो प्रभुपाद को ड्राइव करके ले जा तो जो रास्ते में जाते-जाते बड़ा सा वो बिल्डिंग आया जो फोर्ड कंपनी तो डिवोटिस कहीं डिवोटिस बता रहे थे कि ये जो कंपनी इसी में ना आप वर्क करते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं वो वर्क नहीं करते हैं वो उस कंपनी का मालिक है और हमरी बहुत खुश थे प्रभुपाद को ड्राइव करते हुए और तो यहां पे जो है हम एक लेसन और मिल जाता है हमें कि कितना बड़ा पोजीशन में थे लेकिन उस पोजीशन से भी बड़ा पोजीशन कौन सा है गुरु गुरु की की सेवा करना गुरु की सर्वेंट बनना तो हम बड़ा बनना चाहते हैं मालिक बनना चाहते हैं बॉस बनना चाहते हैं बाकी प्रोफेशनल लाइफ में यही होता है बॉस बनना चाहते हैं ऊपर जाना चाहते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति है जो सबसे टॉप में है लेकिन वो क्या बनना चाह रहे हैं वो प्रभुपाद की सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ा पोजीशन कभी बड़ा पोजीशन क्या है गुरु की शिष्य सेवक बनना आपको याद है जो जापान में प्रभुपाद आए थे और वहां पे हाँ एक एग्जीक्यूटिव एक मिले थे निपन कंपनी का प्रभुपाद ने बोला था आपका लाइफ का गोल क्या है और उसने जो है कार्ड्स जो है विजिटिंग कार्ड्स को स्टैक 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 किया था उसने बोला था मैं सबसे नीचे वाला पोजीशन में हूँ और मेरा अभी तो पर्पस सब से सबसे ऊपर पोजीशन में आना है और सबसे ऊपर पोजीशन क्या था सीईओ का ये उसका गोल था और यहाँ पे हम देखते हैं सबसे ऊपर पोजीशन में ये अम्बरीश प्रभु थे लेकिन ही वॉज हैपी टू बिकम ए सर्वेंट ऑफ प्रभु तो ड्राइव कर रहे थे और उस डेट्रॉइड में वहां पे और एक हम प्रोपात के और एक डिवोटी थे जो माता जी थी उनका नाम एलिजाबेथ था तो वो जो है वो और एक बड़े व्यक्ति का हम बड़े पॉलिटिशियन का हम लीडर का डॉटर थी तो वो भी डिवोटी हो गई थी और अमरीश प्रो कह रहे थे कि वो जो उसके फादर जो थे वो और फोर्ड कंपनी के बीच में एनिमिटी था मतलब राइवलरी था एक दूसरे को मतलब सहन नहीं कर सकते थे लेकिन अब ये दोनों प्रभुपाद के शिष्य बन गए और वो दोनों बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं इस कौन की। तो प्रभुपाद बोले कि दिस इज़ कॉन्शियसनेस सारे राइवलरी सारे एनिमिटी सब खत्म हो जाती है कृष्ण कॉन्शियसनेस के कारण और फिर प्रभुपाद जो है गए और वहां पे उनको बड़ा एक टेंपल खरीदना था तो डेक्ट्रॉट में जहाँ के प्रभुपाद अम्बरीश प्रभु को लेके और डिवोटिस को लेके गए वहां पे जहाँ पे देखना बहुत विशाल जो है एक तरह से पैलेस जैसा था और वहां पे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से फुल ऑपुलेंस और देख के डिवोटी सोच रहे थे इतना ऑपुलेंस कैसे बनेगा आ, मतलब इसमें तो माया दिखाई दे रहा है आ? कि माया का सारे ऑपुलेंस है प्रभुपाद देख रहे थे और सोच रहे थे क्या के कैसे होगा और फिर फाइनली जो ओनर से मिले तो प्रभुफाद उनको बोलने लगे इतने, इसका कितना कॉस्ट होगा किसी का कोई अंदाजा नहीं है कि कितना कॉस्ट होगा वो तो फाद उनसे बातों बातों बोले जैसे ही मतलब ओनर से बात हुए सारे देखने का बाद यस उन्होंने पूछा अच्छा लगा प्रभुपात ने बोले बहुत अच्छा लगा तो प्रभुपाद ने बोले देखो हम तो बेगर्स है वी आर बेगर्स हम भीख मांगने वाले हैं तो हम आपसे भीख मांगते हैं कि ये बिल्डिंग आप हमें दे दीजिए <laughs> ऐसे दे दीजिए हम टेंपल बनाएंगे बहुत सुंदर टेंपल बनाएंगे तो बोले ये क्या बोले ये तो हो ही नहीं सकता ऐसे बात तो हो ही नहीं सकता है ना तो फिर प्रभु ने बोले कि जो है ठीक है आपका जो भी वो है खर्चा है जो भी हम तीन लाख डॉलर आपको दे सकते हैं अब बेगर से तीन लाख डॉलर तो उसने बोला बात वो वो क्या बोले उसने बोला नहीं आप सारे तीन लाख डॉलर दे दीजिए हम दे देंगे प्रभुप ने तुरंत बोल दिया डन हम करिए प्रभुपात के पास एक पैसा भी नहीं था को पता ही नहीं था कितना है पैसा कितना नहीं और सब लोग आश्चर्य हो गए तो तो वहां पे जो रियल एजेंट थे वो बोले ये इतना अमाउंट में कैसे दे सकते हैं तो कुछ नहीं बात हुआ कोई सुना नहीं प्रभुपा ने डील हो गया जब वापस आए आते आते प्रभुपा ने अमरीश प्रभु से पूछा कि क्या ये पॉसिबल है हमने तो बोल दिया साढ़े तीन लाख डॉलर क्या हो जाएगा तो वो एलिजाबेथ जो दूसरे माता जी थी उनसे बात हुआ वो अम्बरीश तो उन्होंने सो एक लाख डॉलर वो माता जी देने के लिए तैयार हो गई और बाकी अम्बरीश दे दिए और फिर वो टेम्पल इसकॉन डेट्रेट का बन गया इस्कॉन डेट्रेट की जय उसके बाद फिर प्ररोपा ने तो इस तरह से टेम्पल बन रहे थे आप समझ रहे जो प्रोपा जा रहे दो तीन दिन रह रहे टेम्पल खरीद ले रहे हैं और इस रेट में इसकॉन का जो है एक्सपांशन हो रहा था और फिर वहां से प्रभुपाद टोरंटो आए अब उसके बाद आगे जाना था बॉस्टन न्यूयॉर्क लेकिन वहां पे टोरंटो में जब थे प्रभुपाल तो वहां पे मैसेज आ गया दिल्ली से तेजस प्रभु का कि अगर आप इंदिरा गांधी से मिलना चाहते तो इमेडिएटली आ जाइए इंडिया में हाँ प्रभुपाल जो है जैसे मैसेज पढ़ा और आगे कुछ नहीं बात लिखा हुआ है तो फोन करने का प्रयास किया कहीं फोन उन लगा नहीं तो प्रहुपाल ने तुरंत शेड्यूल चेंज किया और इंडिया में वापस आया अब इंडिया में प्रोपात के कुछ के सीनियर के साथ आप जाएंगे इंदिरा गांधी से क्या करना है, कैसे मिलना है? क्या करना है? तो प्रभुपाद का यही प्लान था कि इंडिया को वापस जो वैदिक एरा में लेके जाना है जिस राजर्षि होते थे उस राजर्षि की तरह इंदिरा गांधी चलाए इंडिया को ऐसे प्रभुपाद के बिग ड्रीम था तो प्रभुपात ने अपने हाँ? क्या -क्या है है? क्या -क्या तो होगा नहीं है ना तो उतना कम समय में बोलना है तो क्या बोलना है सबसे पहले लिखा है कि उनकी 500 करीब डिसाइपल प्रभुपात के जो फॉरेन डिसाइपल्स हैं उनको इंडिया में परमानेंट वीजा दे दिया जाए क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत हो रही थी कि कुछ महीने बाद ही उनको बोला जा रहा था कि आप जाइए वापस और वहां से वीजा रीणी उससे उनकी जो सेवा में काफी इफेक्ट जैसे वृंदावन मायापुर उसमें काफी दिक्कत हो जैसे कुछ समय हो रहा है तो फिर वापस अमेरिका जाना है तो इस तरह से और प्लस कितना पैसा लगता है कि जाना फिर आना तो ये उन्हें पहला एजेंडा में रखा है दूसरा उन्होंने कहा <laughs> सारे एमपी जितना भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सब इनिशिएटेड ब्राह्मण होना चाहिए <laughs> इनिशिएटेड ब्राह्मण होनी चाहिए फिर जो है सारे स्लॉटर हाउस जो है बंद हो जानी चाहिए और मीट ईटिंग अगर लोग करना चाहते हैं तो रेस्टो जो है पब्लिक प्लेस में नहीं अपने घर में कर सकते हैं लेकिन पब्लिक प्लेस रेस्टोरेंट वगैरह में मीट ईटिंग नहीं रहना चाहिए और क्या है जो है सारे गवर्नमेंट ऑफिसियल्स ऑफिसर्स जितने भी हैं मिनिस्टर से लेकर ऑफिसर्स उनको हाँ जो है क्या करना चाहिए कीर्तन अटेंड करना चाहिए हरिनाम कीर्तन कब आ, कितना फ्रीक्वेंटली दो बार दिन में <laughs> दिन में दो बार कीर्तन अटेंड करनी चाहिए उनको तो इस तरह से प्रभुपाल ने प्लान बनाया और एजेंडा बनाया जाके मिलने के लिए और सब एकदम रेडी होके डिसाइपल्स के साथ पहुंचे जो है प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने और के जैसे पहुंचे उतरे वहां पे जो सिक्योरिटी है वो काफी दुगुना तीन गुना बढ़ गया और एकदम से उनको रोक लिया कि आप लोग नहीं जा सकते हैं डिवोटिस को तो बोले क्यों तो बोले आप सब नहीं जा सकते सिर्फ प्रभु पर जा सकते हैं बोले ऐसे क्यों तो बोले अब जो है कुछ दो दिन पहले बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका जो है हत्या हो चुके थे हो चुका था। और आप जो है काफी ये अकेले तो नहीं जा सके हमेशा उनके साथ कोई ना कोई सीनियर्स रहते हैं मतलब डिसाइपल्स रहते हैं लेकिन वो जाने नहीं दिया प्रभुपात को अकेले लेके गया अलग से गाड़ी में करके अंदर जो है घर के अंदर प्रभुपात गए और जैसे प्रभुपाद गए तो इंदिरा गांधी जो है खड़े हो गए और प्रभुपाद को बस बैठने के लिए जो है आसन दिया तो प्रभुपाद की उनको लगा कि इंदिरा गांधी जो है काफी इंक्लाइंड है स्पिरिचुअल चीज को क्योंकि प्रभुपाद को ऑनर किया उन्होंने लेकिन प्रभुपाद साथ साथ देख लेते कि इंदिरा गांधी जो काफी डिस्टर्ब थी वो डिस्ट्रैक्टेड थी और वो जो है चिंता में थी और भयभीत थी तो वो ठीक से बात करने की स्थिति में नहीं थी तो उन्होंने एक्स एडमिट भी किया कि मैं अभी काफी डिस्टर्ब्ड हूं और अभी इस स्थिति में मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकती तो हमारा मीटिंग हम कैंसिल ही करने वाले थे लेकिन क्योंकि वर्ड दे चुके थे इसलिए आपसे मिल लिया लेकिन हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते तो प्रभुपाद समझ गए सिचुएशन इज नॉट राइट तो प्रभुपाद ने देखा कि कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते हैं तो सिर्फ एक ही चीज बताया ओके और वो एक चीज क्या था जो उनकी एजेंडा में सबसे टॉप में था कि कौन सा था कि 500 मेरा फॉरेन को परमानेंट वीजा दे दिया जाए तो इंदिरा गांधी जो है एक तरह से एक्सेप्ट किया एग्री किया कि ओके मैं उस पर काम करती हूँ और फिर बोले आप तो और ज्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं तो प्रभुपद ने तुरंत जो है एक तरह से कन्वर्सेशन वहां पे ही एंड हो गया एंड प्रभुपाद भी जो है सिचुएशन को समझ के आगे बाहर तो ये था प्रभुपद का इंदिरा गांधी का मीटिंग तो यहाँ पे भी एक शिक्षा हमें मिल जाता है कि कैसे प्रभुपाद के पास इतने सारे एजेंडा था लेकिन प्रभुपाद को पता था सबसे टॉप क्या है और अगर बिल्कुल टाइम नहीं मिले थोड़ा सा समय में हमें बोलना है तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सा बोलना है सो नो वट इज द नंबर वन प्रायोरिटी सो दैट अगर बिल्कुल टाइम नहीं मिले तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को कर लें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को बोल लें कभी ऐसा होता है कि हमें बोलने के लिए टाइम मिलता है बोलते हैं कि लेक्चर दो लेकिन आज जाते हैं तो कभी बोलते हैं सिर्फ पांच मिनट में आपको बोलना है या सिर्फ एक मिनट में बोलना है तो उस समय क्या चीज बोलें क्या चीज करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इसलिए कहीं बोलेगा कि अगर आपको एक सेंटेंस में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे आपको अगर एक वर्ड बोलना है तो आप क्या बोलेंगे तो मोस्ट जो है वो हम समझे तो ऐसे ही है कि सारा दिन में हो सकता है हमें बहुत सारे काम करना है लेकिन किसी दिन बिल्कुल तो टाइम नहीं मिला है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर एक चीज ही हम इस दिन में करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो इस तरह से प्रभुपाध ने जो है उन स्कॉन के लिए जो उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज था वो उनसे इंदिरा गांधी से बोला रिक्वेस्ट किया उसके बाद प्रभुपाद आए वृंदावन और वृंदावन में प्रभुपाद आके जो मंदिर का तो उद्घाटन हो गया था लेकिन अब मंदिर का मैनेजमेंट कैसे होना है तो उसमें प्रभुपाद देख रहे थे क्योंकि इंडिया में मैनेज करना इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि प्रोपद के ज्यादातर शिष्य अमेरिकन थे और ब्रहपद को पता था कि वो जो शिष्य है वो इंडिया की नेचर को जानते नहीं अच्छे से इंडिया के लोगों को नहीं जानते हैं और खास करके वृंदावन में जहाँ पे इतने सारे वृंदावन के जो गोस्वामीज है जो ब्राह्मण से उनके अलग ही जो है थॉट प्रोसेस है वो अभी तक पूरा तरह से फॉरनर्स को एक्सेप्ट नहीं किया है एज ए वैष्णव तो वहां पे जो टेम्पल के मैनेजमेंट टेम्पल की जो रूल्स रेगुलेशन वो पूरा वृंदावन की तरह होना चाहिए अदरवाइज वो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि निकालेंगे तो इसलिए प्रभुपाद जब वृंदावन गए तो वो देख रहे मैनेजमेंट कितना अच्छे से हो रहा है एंड प्रभुपाद इस समय थोड़ा सा उस मूड में थे कि छोटा सा भी कुछ मिस्टेक होता था, था प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्टली बोलते थे थोड़ा सा एक तरह से जो है क्रोध प्रकट करते थे बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे ऐसे तो प्रभुपाल बहुत हम्बल है बहुत एफेक्शन है लेकिन इस बार जब वृंदावन में आए प्रभुपाल छोटी छोटी नीट पिकिंग वो कर रहे थे प्रभुपाल जो है दर्शन आरती में आए दर्शन आरती अभी तक खुला नहीं <laughs> तो वहां के जो डिवोटी थे प्रभुपाल ने बोला ये कितना टाइम हो रहा है तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाल थर्टी सेकेंड पास्ट सेवन थर्टी और थर्टी सेकेंड ज्यादा हो गया प्रोपार ने बोले इतना टाइम क्यों लग रहा है थर्टी सेकेंड ज्यादा होगा इतना टाइम क्यों लग रहा है ड्रेस करने में इतना टाइम क्यों लगना चाहिए आप लोगों को सीखना है कि कैसे टाइम पर स्टार्ट करना है तो उसके बाद प्रभुपाल बाहर जा रहे थे तो रास्ते में देखे थोड़ा सा गंदगी है तो प्रभुपन बोले ये गंदगी किस लिए है तो ये ये एक्सक्यूज ये वो देने लगे तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं सुना बोला कि ये ऐसे क्यों होना चाहिए तो अगले दिन वहां पे हरीश्वरी प्रभु थे टेम्पल कमांडर वो खुद जाके प्रभुपाद जैसे ही मॉर्निंग वॉक में जाएंगे उससे पहले ही खुद जाके उसको सफाई करने लगे प्रभुपाद देखे तो खुश हो गए उसके बाद प्रभुपाद को डिवोटिस दिखाए कि प्रभुपाद टेम्पल के अंदर देखिए बुक स्टोर बुक स्टॉल बनाया लगाया हमने इतना अच्छे से जो है लाइट वीट से इतना अच्छे से प्रभुपात ये सब अच्छे से देखा बुक स्टॉल प्रभुपात प्लीज हुए है सब बोले कि देखिए प्रभुपात सब फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास है प्रभुपात देखे और अचानक ऊपर देखे बोले मैंने दो हजार माइल से दूर से आया आपको सिर्फ ये बोलने के लिए देखिए ऊपर देखिए अपनी जो लाठी है प्रभुपात को वो ऐसे करके दिखा सब लोग देख रहे ऊपर क्या है तो ऊपर देखे चिड़िया है वो एक घर बना रखा उपर, है ऊपर जो शन होते हैं उसके अंदर और प्रभुपाद बोले ये क्या तो डिबोटिस भी आश्चर्य हो गया हमने कभी अभी तक देखा ही नहीं है तो डिबोटिस भी उसको सफाई किया तो इस तरह से प्रभुपाद वहां पे जो वो कर रहे थे और प्रभुपाद बोले कि इस टेंपल का जो मैनेजमेंट है प्रभुपाद कोई एक चीज को देख रहे थे एक दिन क्या हुआ वो बेल जो राज ने बताया था यहाँ पे हर घंटे में बेल बजेगा वृंदावन टेम्पल में और हर आधा घंटा में एक घंटा बजेगा मतलब एक बजेगा और जब भी आठ होगा तो आठ बजेगा आठ बजे है ना सात बजे तो सात घंटी बजेगी तो प्रभुपात देख रहे थे इेगुलर है कोई चीज जो है चलते हुए प्रभुपात देख रहे थे इरेगुलर है प्रभुपाद नोटिस कर रहे थे कि सात सात बजना चाहिए अभी तक नहीं बजा तो प्रभुपाद बोले कि मैं सिर्फ इसको देख के कि कितना अच्छा से घंटी बज रही है मैं इससे मैं समझ सकता हूँ टेम्पल का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है सिर्फ एक चीज को घंटी बजाने का मैनेजमेंट कितना अच्छा से हो रहा है उसी से बहुत वो थे एक दिन रात को प्रभुपाद ने जगाया <laughs> प्रभुपाद रात को जागते थे अपने जो ट्रेवलिंग सेक्रेटरी हरिकेश प्रभु थे आपको सुनाई दिया कुछ पर नहीं प्रभुपाल कुछ सुनाई नहीं दिया नहीं पता है मैं कह रहा हूँ कि सुनाई नहीं दिया घंटी बजाना चाहिए ना हाँ क्या कर रहे चौकीदार जाके देखिए प्रोह ने खास करके इसके लगाया क्योंकि चौकी तो उस समय जो है सामान चोरी हो जाता था चौकीदार रखे चौकीदार सो जाते थे तो प्रोप ने ऐसे रखे चौकीदार सोए नहीं इसलिए घंटी बजाए तो वो जाके देखे चौकीदार ऐसे सोया हुआ है चौकीदार को जगाए है बोले आप बजाओ तो उसने बजाया बजाने का बाद हरिकेश प्रभु आए हैं वो सो गए और चौकीदार भी सो गए बजाने के बाद फिर आधा घंटा बाद फिर से नहीं बजा फिर से प्रभुपद ने उनको बुलाया तो बोला आपको सुनाई दिया तो नहीं तो वही बोले कि इस तरह से प्रभुपद ने इस जो बेल बजाने को लेके इतना पीछे पड़ गए थे कि इसको करेक्ट करना ही करना है शुरू में लगा था डिवोटिस को ये हो ही नहीं सकता सो, आ, आ, मतलब उस डिटरमाइंड कि इसको ठीक करना ही करना है और फिर फाइनली ये ठीक हुआ तो इस तरह से और प्रोपाद ऐसे चेस्टाइज कर रहे थे डिवोटिस को और कई डिवोटिस को परेशानी हो रही थी दिक्कत भी हो रही थी लेकिन कई डिवोटिस बहुत फेथफुल थे वो समझ रहे थे कि ये मर्सी है और यही प्रोपाद टेस्ट भी ले रहे थे प्रोपाद बता रहे थे कि जो डिसाइपल अपने लॉयल है उसके लॉयल्टी का परीक्षा होती है जब गुरु या सीनियर उसको डांटते हैं और डांटने के बाद भी वो सेवा को छोड़ते नहीं है अक्सर हमारा नेचर होता है कि सेवा को छोड़ देते डांटने के बाद कि हम सेवा भी करें डांट भी खाए लेकिन अगर सेवा करते हुए डांट खाते हुए सेवा को कंटिन्यू करते हैं तो वो रियल लॉयल है तो इस तरह से प्रभु वो कर रहे थे को सिखा रहे थे कैसे परफेक्टली मैनेज करना है एक बार वहां पे टेंपल कमांडर हरीश्वरी प्रभु थे तो वो प्रभुपाल से ज्यादा मिले नहीं थे तो प्रभुपद ने एक दिन उनको बुलाया अपने रूम में वो बोले रूम में बुलाया वो एकदम से गया कि क्यों बुलाया ने। और उनको हो। जाके उनको पता चल गया था क्यों बुलाया क्योंकि उससे पहले एक घटना घट गई घट गया क्या हुआ था कि एक जो है एक लड़का आया था और टेम्पल में डी के सामने खा रहा था कुछ प्रसाद खा रहे थे हरीश्वरी प्रभु ने उनको बताया कि आप डीटीस के सामने मत खाइए है आ ना आ, और तो उस बात को लेके एक व्यक्ति खा रहा था तो वो लड़का जो है वो, वो ऐसे हो गया कि नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं है ना आप कौन होते हैं मुझे बोलने के लिए ऐसे करके वो काफी शाउट करने लगे और हरिश्वरी प्रभु जो है वो काफी सहन कर लिया शुरू में कुछ नहीं बोले कुछ नहीं बोले लेकिन वो शाउट करे जा रहे थे करे जा रहे थे और वो बोल रहे थे ऐसे मतलब ऐसे बात तो बात आगे बढ़ गया उन्होंने बोला हरीश्वरी प्रभु को बोला कि आपको टेम्प निकाल देंगे यहां से तब हरीश्वरी प्रभु ने उनका हाथ को पकड़ लिया वो ऑस्ट्रेलिया से थे वो यंग थे तो उन्होंने हाथ को पकड़ लिया और को बोले इसको बाहर निकालो अब वो जाके कहीं कंप्लेन कर दिया प्रभुपाद को शायद ने प्रश्वरी प्रो को बुलाया तो इस पहली बार मेरा मुझे बुला रहे हैं और वो थे मेरा इसके प्रोपद ने ऐसे पूछा कि आपका वर्जन क्या है बताओ तो उसने बताया ऐसे तो प्रभुपद ने बोला वेरी बैड आपने अच्छे से आपका कोई इंटेंशन खराब नहीं था लेकिन आपको समझना है कि हम कहा पे है वृंदावन में है अब वो लड़का जो है यहाँ से बाहर जाएगा और वृंदावन में जाकर लोगों को बताएगा कि हम थे हमको ऐसे कर दिया हमको धक्का मार के बाहर निकाल दिया सोचो कितना इसकी बदनामी हो जाएगी हम्म तो आपको जो है क्या करना है आप अब वो सोचे क्या करना है प्रभुराज आप क्या बोला आप जाओ वृंदावन में ढूंढो वो लड़का कहाँ है वो लड़का को वापस लेकर आओ मेरा पास हाँ हाँ अब वो जो है बाहर निकाल गए पूरा वृंदावन ढूंढ रहे कहा वो लड़का कहा है कहाँ मिलेगा ये ढूंढते रहे ढूंढते रहे काफी समय तक अब फाइनली जब नहीं मिल पाया वो वापस आए वहां तो आके बोलने लगे प्रभुपाद के रूम में जब नहीं मिला और जैसे वो वापस आए प्रभुपाद के रूम में दुखी हो गए तो देखे अंदर वो लड़का बैठा हुआ है प्रभुपाद उसको जो है उस लड़का से बात कर रहे हैं और हरीश्वरी प्रभु को बोले वो फ्रूट्स का है फ्रूट्स जो लाए थे वो फ्रूट्स उसको दो हुँ? तो वो हरिश्वरी प्रभु जल्दी से जाके फ्रूट्स लेके आया और उस लड़का से फ्रूट्स दिया और उस लड़का को जो गले लगाया और लड़का भी जो है खुश हो गए और फिर चले गए तो इस तरह से प्रभुपाद ने इस कॉन्फ्लिक्ट को कराया उसके बाद प्रभुपाद जो है बोले कि वृंदावन टेम्पल में वो होना चाहिए गुरुकुल स्टार्ट करना है तो बगल में ही जो है प्रभुपाद ने बड़ा सा गुरुकुल बिल्डिंग के लिए कॉर्नर स्टोन स्थापन किया राधाअष्टमी का दिन था वो 1975 में में तो राधाअष्टमी का दिन प्रभुपाद ने वो गुरुकुल का जो है कॉर्नर स्टोन स्थापन किया और बोले कि इतना बड़ा इतना सुंदर गुरुकुल होना चाहिए कि लगभग 500 स्टूडेंट्स जो है वहां पे पढ़ सके और जो प्रभुपद का पहला ड्रीम था अमेरिकन हाउस वो हो सके विश्व से अलग अलग, अलग जगह से लोग आके यहाँ पे स्टडी कर सके वृंदावन में स्टडी कर सके भक्ति का ग्रंथ का स्टडी कर सके तो इस तरह से से वो बोल के फिर जो है से निकले गए बॉम्बे तो इस वृंदावन के एपिसोड से हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं पहले तो शिक्षा ये है कि जैसे प्रभुपाद ने कहा कि एक चीज का मैनेजमेंट को देख के मैं सारी चीज का पता लगा सकता हूं तो वही है कि अगर एक चीज का हाँ जो है कैसे अच्छे से हो रहा है अगर एक चीज का क्वालिटी जो हम देखते हैं कोई एक चीज जो व्यक्ति करता है हर चीज उसी क्वालिटी से करता है तो चाहे हम किसी टेंपल हो 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 बेस कहीं जगह पे अगर एक चीज चीज देखते वो कैसे मैनेज रहा है उससे हमें सारे चीज पता चलता है एक और जगह पे भी प्रभुपात बोल रहे थे कि जो हम्म बनाते हैं चावल बनाते हैं एक चावल को देख के पता चल लगा सकता है कि चावल हाँ, जो है बॉयल हो गया कि नहीं हो गया तो ये हमें एक शिक्षा मिलती है कि एक चीज को देख के हमें पूरा ओवरऑल चीज के बारे में पता लग सकता है दूसरा यह है कि लॉयल्टी जो है हमारा शिष्य का का या स्टूडेंट वो पता लगता है रियली really, जब हम सेवा को नहीं छोड़ते हैं हमें डांट पड़ने का बाद भी अक्सर हम डांट पड़ने का बाद हम छोड़ देते हैं लेकिन डांट पड़ने का बाद भी अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो देट इज रियल लॉयल्टी तीसरा हमें यह मिलता है कि जब हम इस तरह से प्रीचिंग में है तो हमें जो हमारा नेबर है हमारा लोकल लोग हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहे वो लोग थोड़ा सा कुछ बदमाशी भी कर रहे हो कुछ भी लेकिन हम थोड़ा सा उनको टॉलरेट करते हुए उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना यही हमारे लिए लाभदायक है तो इस तरह से कई शिक्षा मिलती है उसके बाद प्रभुपाद फिर वहां से बॉम्बे गए और बॉम्बे जाके देखे बॉम्बे का क्या हाल है लैंड का उन्होंने कॉनेस्ट स्टार्ट करके प्रोपा चले गए थे और उनका कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने गाइडेंस दे दिया था तो आप देख रहे कि कितना आगे कितना बढ़ा और जाके देखे प्रोपाद कि उसका प्रोग्रेस भी स्लो हो रहा है तो प्रोपाद लिटिल डिसअपॉइंटेड हो गए कि जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना आगे नहीं बढ़ा कई महीना हो गया तो वो जो देखे कि फ्लड हो गया था जो भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था थोड़ा वो भी फ्लड में सारे वो हो गए और जो कंस्ट्रक्शन जितना भी हुआ वो पोर क्वालिटी के हुए काफी घटिया क्वालिटी के तो प्रभुपाद थोड़ा दुखी हो गए प्रभुपाद का ड्रीम था कि ये जो होगा बॉम्बे का जो प्रोजेक्ट हेवन ऑन अर्थ ये सबसे बढ़िया होना चाहिए फर्स्ट क्लास होना चाहिए तो प्रभुपाद ने जो है पूछे बोले कि ये तो छह महीने में होना चाहिए अब ये कितना महीने में होगा तो एक बोले जो हाँ, सुरभी थे वहां का मेन कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज और भी बोले छह महीने में तो नहीं हो और को पता है वृंदावन का भी जो कहीं समय लगा तो प्रभुपाद ने टाइम लाइन दिया कि आप अगर छह महीने में नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप मेरे जीवन काल में तो कर दो ये प्रभुपाद ने बताया कि डू इट एटलीस्ट विद इन माई लाइफ टाइम ये आप ध्यान रखो यदि प्रभुपाद को चाहते थे कि ये मंदिर प्रभुपाद देखे जल्दी से जल्दी और फिर प्रभुपाद कंसर्न क्वालिटीज को लेके फिर कहीं प्रभुपाद ने जो है लोगों को बुलाए और डिसाइपल्स कुछ से बात किए तो उन्होंने जो बॉम्बे के बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनको बुलाया उनसे एग्जामिन कराया और फिर उन्होंने देखा कि प्रभुपाद अभी जो क्वालिटी से बने हो तो दो तीन साल में वो हो जाएगा खराब हो जाएगा तो फिर प्रभुपाद ने डिसाइड किया ऐसे बड़े कंपनी को लगाना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को देना चाहिए तो ने उनको लगाया और वो जो आए पूरा अच्छे से प्लान करके दिया कि क्या क्वालिटीज बनेगा किस किस तरह से टाइम तक कैच बन जाएगा इससे प्रभुपत काफी इंप्रेस हो गया कि बिल्कुल प्रोफेशनली प्रॉपर रिलायबल वे से प्रॉपर प्लान दे रहे हैं प्रभुपत वेरी प्लीज और प्रभुपत ने बोले उन्हीं को दो तो इस तरह से उनको फिर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का बनाया गया, गया उनको दिया गया की जिम्मेदारी और प्रभुपात जब घूम रहे थे तो गेस्ट हाउस वगैरह में जाके बोल रहे थे यहाँ पे मार्बल क्यों नहीं लगा हम्म तो डिवोटिस बोले प्रभुपाद इससे काफी महंगा होगा तो बोले आप पैसा की चिंता मत करो आप जो है फर्स्ट क्लास बनाओ इसको तो हर चीज को प्रभुपात बोल रहे थे फर्स्ट क्लास बनाना है क्योंकि प्रभुपाद को पता था वहां पे सेलिब्रिटीज रहते हैं बॉम्बे में और सब आएंगे मंदिर में सब आएंगे इस गेस्ट हाउस में रहने के लिए पूरा वर्ल्ड से तो वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए तो ऐसे प्रभुपाद ने उनको एम दिया और देखे फिर प्रभुपाद दिल्ली में आए नवंबर में का एंड में आए दिल्ली में और दिल्ली में उस समय दिल्ली का मंदिर जो है वहां से आ गए थे आनंद निकेतन से आ गए थे कहां पे? लेन, बेंगोली मार्केट तो उस समय बेंगोली मार्केट में थे तो वहां पे प्रभुपाद आए तो कुछ दिन वहां पे प्रभुपाद रुके एक दो प्रोग्राम्स किए दिल्ली में और फिर प्रभुपाद उस समय परम पूज्य गोपाल कृष्ण को स्वामी महाराज भी थे दिल्ली में तो प्रभुपाद के साथ थे तो प्रभुपाद का प्लान बना कि दिल्ली में कुछ लोकल प्रोग्राम करके प्रभुपाद कुरुक्षेत्र जाएंगे तो डिवोटिस जो है चले कुरुक्षेत्र तो दो गाड़ी लेके सुबह सुबह वो निकले तो पहला गाड़ी में प्रभुपाद और गोपाल कृष्ण महाराज और जो है हंस प्रभु और हरिकेश जो प्रभु प्रभुपाद के ट्रेवलिंग सेक्रेटरी थे वो गए और पीछे गाड़ी में हरिश्वरी प्रभु और इस तरह से और भी डिवोटी जो है निकले तो कुरुक्षेत्र के लिए सुबह सुबह वो निकले दिल्ली से और कुरुक्षेत्र पहुंच गए लगभग तीन चार घंटे में और वहां पे एक प्रभुपात की जान पहचान थे गुलजरी लाल नंद एक प्रभुपात के होस्ट थे तो उन्होंने प्रभुपात को स्वागत किया प्रभुपात को एक गेस्ट हाउस में लेके गए और वहां प्रभुपात रुके और फिर जो है प्रभुपाद को लेके गए प्रभुपात ब्रेकफास्ट करने बाद, के बाद प्रभुपात को लेके गए कुरुक्षेत्र को दिखाने के तो कुरुक्षेत्र का जो मेन जगह है जो सबसे पॉपुलर जगह है उस जगह पे लेके गए है तो उस में वो जो है, वो एक तरह से मतलब थोड़ा सोशल वर्कर्स टाइप का भी है तो वो लेके गए उसको पूरा दिखा कि वो जो सरोवर है वो जो लेक है वो कितना सुंदर है और उसके स्वच्छ है और उसमें जो घाट वगैरह वो बना रहे तो वो बता रहे थे कि वो एक्चुअली इस कार्य को करा रहे हैं थोड़ा सोशल सर्विस का एक अलग कुछ मानव धर्म करके उसका एक सोसाइटी है हाँ, ट्रस्ट है उससे वो इस काम को करा रहे हैं और ये गवर्नमेंट की काफी मतलब मदद मिला हुआ है फंड्स मिला हुआ है उससे वो कर रहे हैं कई करोड़ों रुपया खर्च किया उन्होंने इस जगह को बिल्ड अप करने के लिए तो वो दिखाया प्रोपा देखें और उसके बाद वो फिर उस सरोवर के को दिखाने के बाद थोड़ा सा पास में लेके गए और जगह दिखाया प्रभुपाद को कि ये सब जगह है आप चाहे इस कौन के लिए आप खरीद सकते हैं तो प्रभुपाद ने देखा जगह प्रभुपाद को लगा था प्रभुपात सोचे थे कि वो डोनेट करेंगे जगह लेकिन वो बोल रहे थे खरीद सकते हैं कौन तो प्रभुपाद एक तरह से उतना भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे और वो पूछ रहे थे कि प्रभुपाद पूछ रहे थे कि फ्लड होगा तो क्या होगा इस तरह से लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे और प्रभुपाल ने कुछ प्रॉमिस नहीं किया बोला ठीक है बाद में ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे कि वो कितना महान कार्य कर रहे हैं वहां पे इस तरह से तो एनी फिर उसके बाद प्रभुपाद अपने जो है कमरे में आ गए और कमरे में आके जो है प्रभुपाद थोड़ा सा रेस्ट किया लंच लिया तो और जो है वो कोष्ट जो है वो चले गए उन्होंने और भी कई सारे चीज दिखाया था गौशाला और ये सब चीज जो है वो दिखाया था। लेकिन फिर वो चले जाने के बाद फिर प्रभुपाद शाम को दिल्ली लौटने के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपने शिष्य को बोले प्रभुपाद ने कि और एक जगह है थोड़ा सा दूर में ही है लेकिन जो है थोड़ा सा रिमोट है लेकिन वो जगह बताया जाता है कि असली जगह है जहां पे भगवान ने अर्जुन को ये गीता का ज्ञान दिया था जो युद्ध हुआ था और असली जगह और वो जगह का नाम है ज्योति सार जो हुँ। तो उस जगह पे हम चले क्या वो थोड़ा सा रिमोट में है लोगों को पता नहीं है ज्यादा लोग इसी जगह को ज्यादा वो करते हैं जो ब्रह्म सरोवर है जहाँ पे जो लोग स्नान करते हैं ग्रहण के समय जो इवन कृष्ण बलराम जो गए थे सुभद्र महारानी स्नान करने के लिए तो वो जगह को लोग ज्यादा वो करते हैं लेकिन जो एक्चुअल जहाँ पे कृष्णा ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वो ज्योतिष उस जगह का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ वो काफी दूर है अराउंड छह सात किलोमीटर दूर है तो हम वो जगह चले क्या तो सारे डिसाइड बोले यस प्रभुपात चलते हैं तो जो दिल्ली में आ, वापस आने के समय प्रभुपाद उस जगह पे गए और वहां पे गए तो देखा वो जगह पे छोटे छोटे कुछ टेम्पल्स हैं और मेन जो है वो खुला जगह पे एक बट वृक्ष है और उस बट वृक्ष के नीचे जो है वो एक केस केस में में ग्लास के केस में, वो कृष्णा और अर्जुन है कृष्णा रथ चला रहे हैं अर्जुन बैठे हुए हाथ जोड़ करके और ये देख के प्रभुपाद बोले सब डिवोटिस को एक अलग वाइब्रेशन फील हुआ प्रभुपाद ने बोला डू यू थिंक कैसे लग रहा है तो सब बोले बहुत अच्छा लग रहा है प्रभुपाद और एक जो हरिकेश प्रभु वो बोल रहे ये जगह ऐसे वैकुंठ जैसे लग रहा है और वो जो जगह था वो हेवनली प्लेनेट जैसे लग रहा है स्वर्ग लोग जैसे लग रहा है और ये वैकुंठ जैसे लग रहा है बोले यस तो, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए एक टेम्पल होना चाहिए कृष्णा अर्जुन की टेम्पल कृष्णा अर्जुन की टेम्पल बनना चाहिए और वो जो जगह है वो जगह में बाद में कोई और एक टेम्पल भी बन सकता है तो वहां पे जगन्नाथ बेव महारानी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे कृष्ण अर्जुन क्योंकि इसी जगह पे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था तो ये जगह होना चाहिए तो इस तरह से प्रभुपद ने अपना अभी जो है कुरुक्षेत्र उसी जगह पे वो हो रहा है कृष्ण अर्जुन के टेम्पल बन रहा है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और उनकी शिष्यों की प्रयास से वो प्रभुपद की उस इच्छा का पूर्ण कर रहे हैं तो इस तरह से फिर वो करके कुरुक्षेत्र का दर्शन करके प्रभुपाद टीम को लेके लगभग रात को नौ बजे तक वापस दिल्ली में अपना बेंगली मार्केट का जो मंदिर है वहां पे पहुंचे तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं आगे हम देखेंगे क्या होता है तो अभी दिसंबर जो नाइनटीन में प्रभुपाद अब बेंगली मार्केट में दिल्ली मंदिर में है तो so, हम देख लेते हैं हमारा कितना आज शिक्षा रत्न हमने कलेक्ट किया है सो वन थिंग ऑफ गुड क्वालिटी जैसे ने कहा कि एक चंद्रमा सफिशियंट रशनी देने के लिए इतने सारे नक्षत्र से भी जो नहीं हो पाता है तो उसी तरह प्रभुपा चाहते थे कि डिवोटीज चाहे कम हो लेकिन क्वालिटी हो वो शुद्ध भक्त बने तो ये वन गुड क्वालिटी वन थिंग कम चीज भी हो लेकिन अच्छा हो दूसरा मशीन शुड नॉट मेक ह्यूमन आइडल ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड बिफोर यूजिंग द मशीन्स तो जो आज सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी सबके पास एम्प्लॉयमेंट होंगी अगर हम ह्यूमन हम हमें ये आता हो हम अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स और जो नेचुरल रिसोर्स है जैसे पशु पक्षी उनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके नेक्स्ट हायर देन द हाइस्ट डेजिग्नेशन इन दिस वर्ल्ड इज टू बी ए सर्वेंट ऑफ गुरु जैसे हम देखे थे अम्बरीश प्रभु वो सीईओ थे कंपनी का मालिक थे लेकिन वो उनसे भी बड़ा पोजिशन जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था वो है प्रभुपाद की सर्वेंट नेक्स्ट नो योर नंबर वन प्रायरिटी और मैसेज सो दैट इफ देर इज नो सफिशियंट टाइम यू कैन गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डन तो जैसे प्रभुपा जब इंदिरा गांधी से मिलने गए तो प्रभुपाद के कई सारे लिस्ट था लेकिन सबसे टॉप में क्या था कि अपने शिष्यों का यहाँ पे परमानेंट वीजा के लिए रिक्वेस्ट करना जो वहां पे वास्तव में जाके अनएक्सपेक्टेडली प्रभुपाद को बहुत कम समय मिला था और प्रभुपाद ने वही चीज बल पाया क्योंकि प्रभुपाद को क्लियर था कि अगर एक ही चीज बोलना है तो क्या बोलना है एंड देन

वो हमें सपोर्ट करे और हमारा नेगेटिव इंप्रेशन ना पड़े वंस लॉयल्टी इज टेस्टेड इफ वन कंटिन्यूज टू सर्व इवन आफ्टर बीइंग चेस्टाइज फॉर फॉल्ट इन द सर्विस इट इज वेरी डिफिकल्ट पर ये ही लॉयल्टी है कि सेवा ना छोड़े और हम देखते हैं प्रभुपाद के शिष्यों का जब हम पढ़ते हैं हम न, ये बहुत मुश्किल है प्रभुपाद जब डांटते थे इतना स्ट्रांगली डांटते थे हां? आश्चर्य बहुत टफ थे कभी कभी प्रभुपाद लेकिन डिसाइपल जो है उस चीज को बहुत पॉजिटिवली लेते थे और वो फरदार प्रयास करते थे प्रभुपाद को खुश करने के लिए सो इज वेरी इंस्ट्रक्टिव कि हमारा लॉयल्टी रियली टेस्ट होती है जब डांटने का बाद भी हम सेवा को छोड़ते नहीं है गुरु को छोड़ते नहीं है और हम कंटिन्यू करते हैं प्रयास करते हैं इम्प्रूव करने के लिए सो थैंक यू वेरी मच तो ये जो फोटो है ये वही है जो राधा अष्टमी में प्रोपाद गुरुकुल का कॉर्नर स्टोन स्थापन किया तो यहाँ पे वो पिक्चर में भी लिखा हुआ है कि नेस्कन गुरुकुल फाउंडर कॉर्नर स्टोन वाज लेड डाउन ऑन राधा अष्टमी डे 13 सितंबर 1975 बाय द हैंड ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांतो स्वामी प्रोपाद जिला की जान जय प्रभु पा प्रभु पात प्रभु पाद जय प्रभु पा जया प्रभु पा जय प्रभु प्रभु पात प्रभु पाद जय प्रभु पा जया प्रभु पा जय प्रभु पा प्रभुपा प्रभुपा जय प्रभु पा जय शिला प्रभु पा जय प्रभु पा जय प्रभुपा प्रभुपा जय प्रभु पा जय शिला प्रभु पा प्रभुपा प्रभु sva jaya prabhu pa jaya jaya prabhu pa sva jaya prabhu pa